बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस, होप यू आर ऑल फाइन। लेट्स गेट मूव टू द टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हाउ टू रैंक योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन फॉर रैपिड लॉन्च। रैपिड लॉन्च जब हम वहाँ पर लॉन्च करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि हमारे सक्सेसफुली वहाँ पर लॉन्च हो रहे होते हैं, तो उसको हम किस तरह रैंक करते हैं अमेजोन के ऊपर कि हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर लेकर चले हैं। तो किस तरह हम उन प्रोडक्ट्स को रैंक करते हैं, आज की इस वीडियो में इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अमेजोन के ऊपर जब हमने रैपिड लॉन्च की स्ट्रेटेजी को यूज़ करके जब हमने वहाँ पर प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो इसके लिए हम वहाँ पर PPC के ज़रिए ही वहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स को रैंक करवाएंगे। PPC के थ्रू हम वहाँ पर उसको रैंक करवाएंगे। तो PPC के ऊपर 5 किस्म की वहाँ पर कंपेन चलती है, जिसको पहले ऑटो कंपेन होगी, फिर वहाँ पर एग्जैक्ट कंपेन होगी, फिर फ्रेज कंपेन होगी, उसके बाद फिर एसेंट कंपेन होगी, ब्रॉड कंपेन होगी। तो ये 5 किस्म की कंपेन होती है जो कि अमेजोन के ऊपर मोस्टली PPC के सिनेरियो में वहाँ पर चलाई जाती है। और इनिशियली स्टेज में जब हमने रैपिड लॉन्च की वहाँ पर लॉन्चिंग कर ली, तो PPC जब हमने चलानी है तो इनिशियली स्टेज में हम वहाँ पर 2 ऑटो कंपेन्स चलाएंगे अमेजोन के ऊपर। 2 ऑटो कंपेन्स चलाएंगे। अगर हमने UK के सिनेरियो में बात करें तो हम वहाँ पर 10 पाउंड्स की 2 ऑटो कंपेन हम चला देंगे, और इस ऑटो कंपेन्स को हम 1 वीक तक चलते रहने देंगे। इसके अंदर हम कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं करेंगे। 1 वीक के बाद ही वो हमें कुछ रिजल्ट देगी। हमने ये नहीं देखना कि इसकी एकोज क्या है, इसकी ये इसकी बिट्स वगैरह कहाँ जा रही है, हमने कोई चीज़ नहीं देखनी। तो हमने जस्ट वहाँ पर 1 वीक के लिए उसको चला दी, उसके बाद फिर हमने वहाँ पर उसके अंदर चेंजिंग वगैरह करनी है। मगर 1 वीक तक हम उसको चलते रहने देंगे और हम उसके रिजल्ट देखेंगे 1-2 वीक तक। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर हमने ऑटो कंपेन ही चलानी है तो फिर हम 2 ऑटो कंपेन क्यों चलाएं, एक ही क्यों ना चलाएं? तो अमेजोन के ऊपर आप जितनी भी ऑटो कंपेन चलाते हैं, हर कंपेन में अमेजोन मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर आपकी कंपेन चलाता है। यह नहीं कि आपने अगर 2 कंपेन चलाई, 3 कंपेन चलाई तो वही एक ही कंपेन में जो कीवर्ड्स है वही दूसरे में होगी, वही तीसरे में नहीं। अमेजोन वहाँ पर हर कंपेन के अंदर लहदा कीवर्ड्स जो आके प्रोडक्ट्स के मुताबिक रेलिवेंट कीवर्ड्स है उसके मुताबिक वहाँ पर ऑटो कंपेन चलाता है। तो इस तरह अमेजोन के ऊपर हम 2 कंपेन चलाएंगे जो कि अमेजोन उन दोनों को अलग-अलग सेपरेट लेकर चलेगा। तो इस तरह हम इन दोनों कंपेन्स को चलते रहने देंगे और 1-2 वीक के बाद हम चेक करेंगे, और 1-1 वीक के बाद हम इसको चेक करते जाएंगे। इन दोनों कंपेन में से जो कंपेन अच्छा रिजल्ट देगी उसको हम कंटिन्यू रहने देंगे, और जो अच्छा रिजल्ट नहीं देगी उसको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो जब हम इन दोनों में से एक कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कर देंगे, उसके बाद फिर हम एक और कंपेन चलाएंगे जिसका नाम हम कोम्बो रखेंगे। तो उसके अंदर हम 4 एड सेट्स डालेंगे। फर्स्ट आपका एग्जाटो होगा, दूसरा आपका ब्रॉड होगा, तीसरा आपका एसन होगा, और चौथा आपका होगा फ्रेज होगा। तो इस तरह आप 4 एड सेट्स वहाँ पर आप लगाएंगे। तो जो उस कंपेन जो कि आपने ऑटो कंपेन चलाई होगी उसके ऊपर आप डेली के 10 पाउंड आप प्राइस कॉस्ट वहाँ पर लगाएंगे, और इस कंपेन जो आपकी कॉम्बो कंपेन होगी इसके ऊपर 40 पाउंड या $40 आप वहाँ पर अपने डेली के उसको कॉस्ट देंगे। तो ये कॉस्ट आप वहाँ पर सेट करेंगे, 40 की ये, 10 की वो, दोनों आपकी 50 पाउंड में आपकी वो कंपेन चलेगी। और जो कीवर्ड्स के ऊपर आपकी जो आपकी ऑटो कंपेन होगी उसके ऊपर जो कन्वर्जन आएगी उसमें से आप उन कीवर्ड्स को आप लेंगे और उस कॉम्बो के अंदर आप उसको चलाएंगे। आप जो फ्रेज वाली फ्रेज में जाएंगे, जो आपके एग्जैक्ट वाले वो एग्जैक्ट में जाएंगे, जो आपके ब्रॉड वाले वो ब्रॉड में जाएंगे, और जो एसेंस होंगे वो आपके एसेंस एडसेंस के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह आपकी वो ऑटो भी चलेगी और कॉम्बो दोनों आपकी वहाँ पर कंपेन्स चलेंगी, और इस तरह वो आसा आसा जो भी कन्वर्जन आती जाएगी वो आप उसके अंदर एड्स करते जाएंगे। उन दोनों कंपेन्स को आप कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह जो जो कीवर्ड्स वहाँ से निकलते जाएंगे ऑटो में आप उसको कॉम्बो के अंदर आप ऐड करते जाएंगे। मगर लहदा स्नैरियो में जो आपके 4 एडसेट्स होंगे, हर एड सेट्स में आप फ्रेज में फ्रेज, ब्रॉड में ब्रॉड, एग्जैक्ट में एग्जैक्ट, और एसन में एसन आप डालते जाएंगे, और जो कीवर्ड्स के ऊपर आपकी कन्वर्जन नहीं आएगी
उन कीवर्ड्स को आप नेगेटिव कीवर्ड में डालते जाएंगे और जिसके ऊपर आप कन्वर्जन आएगी उसको आप कंटिन्यू रखेंगे और आप डेली 40 पाउंड की इसके ऊपर आप प्राइस रखेंगे और 10 पाउंड की आप उसके ऊपर प्राइस रखेंगे और इसके साथ आप वहाँ पर इन दोनों कंपेन्स को चलाते रहेंगे और इसी कंपेन्स में आपकी जो प्रोडक्ट्स होगी वो जो आपने रैपिड लॉन्च के हिसाब से वहाँ पर लॉन्च किए वो फिर सक्सेसफुली आस्ता आस्ता अमेजोन के फर्स्ट पेज पे आना शुरू हो जाएगी और वो आप इजीली उसकी फिर वहाँ पर PPC चलाकर आप उसको फर्स्ट पेज पे लाने के बाद अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए चला सकते हैं। तो मज़ीद हम जब PPC के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर हम देख लेंगे कि किस तरह हम वहाँ पर कंपेन्स वगैरह चलाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।